कि जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, समझो निरंतर राधा 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 राधा, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। तो इतना ना सोच करो कि अकेले कमाने वाले हैं। हमें लगता है ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो अकेले कमाने वाले, कमाने वाला अकेला ही होता है, खाने वाले 10-5 जरूर हो जाते हैं। तो इसमें चिंता न करो, अकेले ही भगवान ने सृष्टि रची है। कोई दूसरी याद ले, उन्हीं के तुम भी अंश हो, भगवान के तो अंश हो, चिंता मत करो। सबके जीवन में ऐसी बात आती है, कभी वो प्रभु से नाराज हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा गिरा, माँ दौड़ के उठाई, वो माँ से नाराज होता है कि गिरने पर उठाने आए हो, जब मैं गिरने जा रहा था उस समय मुझे क्यों नहीं पकड़ लिया। ऐसे भक्त नाराज होता है, कहाँ थे उस समय जब मेरे अंदर विकार आकर मुझे नष्ट कर रहा था मेरे स्वामी। प्रभु से ही वो नाराज हो जाता है, कभी प्रभु से लड़ जाता है। तो ये जो बातें हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ के बाल पकड़ कर खींच रहा है, नाराज हो रहा है, तो माँ हंस देती है, नादान बालक है, माँ हंस दे। ऐसे ही हम प्रभु के सामने तो नादान है ना, हम कभी प्रभु से नाराज भी हो सकते हैं, हम कभी प्रभु से मान भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, तो फिर हमारा जो भी व्यवहार होगा प्रभु से ही होगा। तो इसलिए ये सोचना कि हमारी थोड़ी अश्रद्धा हो गई या थोड़ी नाराजगी हो गई या थोड़ा हम प्रभु के प्रति कड़वे हो गए तो प्रभु नाराज हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं है, बहुत करुणामय स्वभाव। महाराज जी, जब हमें हर गलत कर्म का हिसाब किताब यहीं पर देके जाना है तो क्या नहीं, ये किसने कहा यहीं पर देके जाना? ऐसा तो नहीं कहा गया कि पूरा यहीं पर देके जाना, नहीं यहाँ से लाद के ले जाना है। यहाँ तो जैसे आपको बताते हैं बिल्कुल ऐसा पक्का समझना, पुलिस घर से पीटती। जब प्रसाद मिले तो बिना विलंब किए पहले उसे मुख में डालना चाहिए, ये सिद्धांत है। प्रसाद रख दो, थोड़ी देर बाद ये अपमान है, प्रसाद लाओ लाओ, माथे पे लगाओ, पहले प्रणाम करो, किनका मुख में अगर बिल्कुल नाम जप के बिना मन को लूटने की ताकत नहीं पा सकता, ये असली बात समझ लो। नाम जप ही तुम्हें वो बल देगा जिससे तुम मन को देख सकते हो, मन को डांट सकते हो, मन को रोक सकते हो। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं, हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया, जो ही देखा पिताजी आ रहे सोहाकुंड के, वो नजदीक आए अपने स्वभावश, ए उठ खड़ा हो, नहीं खड़े, तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए, हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार। तो खड़े हो गए, बच्चे ही थे। हमका आपसे एक प्रार्थना करें, उनका बताओ, हमका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे, तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे। एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना, उनका सच्ची, हमका आपसे सच्ची बात कह रहे हैं, घर नहीं जाओगे वरना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे वरना, बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो, ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम, 3 बार ऐसे छाती से राम 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 ऐसे कहा, जाओ अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा, जाओ जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई पाल माता। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबा जी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता, और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हमका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, पर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। अरे यार तू विश्वास कर ले तो हम तेरी खोपड़ी में बैठ के बताते रहेंगे कि ये पाप है ये पुण्य है, जा तो तू देख ले, अगर तू श्रद्धा विश्वास करके मान ले तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद यहाँ बैठा दिखाई देगा, और ये आएगा कि बाबा ने कहा कि ये पाप है, बाबा ने कहा ये पुण्य, आप करके तो देख, भजन करके तो देख, नाम जप करो, आज से तू फ्री हो जाए एकदम, पीछे और आगे के लिए भी। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है मर चाहे जाऊं कभी नहीं करूंगा, फिर आपको कोई करवा दे तो किसी की ताकत नहीं। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो, वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलत्से प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाही विश्वम तुम्हें स्वरी देवी चराचरस्य, तुम ही चराचर हो,
तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए, तुम ईश्वरी देवी चरा चरस्य, चर अचर रूप वही सब बनी हुई है, वही माधु शक्ति है ना, वही चर अचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्द में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य, आप सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें ये नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं, भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया, और बोने के अब वो क्या बोते हो तुम, जो बोगे तो तुम्हें काटना पड़ेगा, वही फसल काटनी पड़ेगी। समझ पा रहे ले आप? प्रभु को राधा रानी को कह नहीं सकते कि आपका शरीर ठीक है? नहीं, हम क्यों कहें, हमारा काम हो चुका है, उनको काम कराना है। तो आप देख रहे हो 18 साल से किडनी फेल हम उपदेश कर रहे हैं। देखो, कई लोगों ने हमसे कहा कि किडनी बदला लो, तो हम प्रिया जो से कहते हैं राधा रानी से कि जब किडनी बदलाने पर अगर हम सही काम कर सकते हैं तो इन्हीं किडनी से क्यों ना करवाओ, आप तो कर तुम अन्यथा कर तुम हो, और वो करवा रहे हैं। ये हमारे शरीर का पूर्व प्रारब्ध है और ये हमारी लाडली जू की अपार कृपा है, और हम कह इसलिए नहीं सकते कि हमको आवश्यकता नहीं। अगर हम इस शरीर को प्यार करते तो वो हमें गति ही ना मिलती, और जब उस गति से प्यार किया तो शरीर से प्यार है नहीं। अब ये चाहे आज रखे चाहे 100 वर्ष रख दे, उनकी बात क्या है, अरे वो कहो ऐसी किडनी को 20 वर्ष और चला दें। आपके सामने 2000 रुपए नोट रखे जाए ढेर सारे तो अब आप लुभायमान होंगे क्या, क्योंकि 2000 चलते नहीं ना, तो ऐसे हम इस शरीर से अब लुभायमान नहीं। ये चाहे चिकना बने और चाहे काला हो जाए और चाहे सड़ जाए चाहे फूल जाए, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक जान रहेगी इसमें तब तक हम आते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे दाड़ते रहेंगे, और जब उनको बुला ना तो बुला। भीषण बीमारी है और फिर भी 18 साल से हमारी दिनचर्या चली, कम कृपा है क्या दिनचर्या? मान लो यही हम व्हील चेयर या बिस्तर में पड़े पड़े काटे, यही दशा काटे, तो एक वो जीवन है और एक ये जीवन है कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। अगर हम ना बताएं तो जल्दी कोई जानेगा नहीं कि हम किडनी फेलियर हैं। क्यों, ऐसा कुछ लक्षण दिखाई देता है बाहरी ज्यादा? थोड़ा बड़ा तो चेहरा वेरा तो फूला हल्का भले नजर आए, हम तो सबसे वाला फिट लग रहा है। तो जब हम जैसे चलते है ना तो ढांचा ऐसा है, श्री जी का बल है, हम एकदम मस्ती में चलते। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष दो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। भगवान पे दोषारोपण न करें, वो परम पिता बहुत कृपालु, सबको प्यार करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कर्म खोटे करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, पक्का मिले। अब उसमें आप भगवान पर श्रद्धा करो तो आपका अज्ञान है, उस पूजा का कोई महत्व नहीं। जो पूजा श्री विग्रह की अर्चना वंदना की जाए और बाहर राग द्वेष किया जाए अन्य शरीरधारियों से, वो पूजा ऐसी हो जाती जैसे राख में किया हुआ हवन, भगवान कपिल देव जी माता देवती से कहते हैं। इसलिए सच्ची पूजा का स्वरूप यह है कि आप भले आरती पूजा ना करें लेकिन किसी से द्रोह न करें, किसी की हिंसा न करें, किसी को कष्ट न दें। नहीं, अब पूजा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, वो क्या पूजा है? वो नाटक है, वो कोई पूजा है? पूजा का मतलब है सत आचरण करना, सद विचार करना, सद भाव रखना। सद भाव नहीं, सद विचार नहीं, सद आचरण नहीं, असद आचरण, असद विचार, असद क्रिया, वो क्या पूजा है? पूजा करने वाले तो बहुत देखे गए जो आसुरी प्रवृत्ति के आचरणों से युक्त थे, उसे क्या लाभ क्या हुआ? पूजा तो राक्षस जन भी करते हैं, नहीं कि ऐसी भारी तपस्या हिरण्यकश्यप ने की कि कोई ऋषि मुनि बिरला ही कर पाएगा, लेकिन परिणाम क्या निकला? फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। देवी जी नारियल की भूखी नहीं है, कोई भी देवी देवता तुम्हारे जल फल पुष्प का भूखा नहीं है, उसमें मात्र केवल आपकी सत्क्रिया होती है। आपने एक लोटा जल पवित्र लिया, भावना करें कि मैं भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगा जाकर, ये जो आपकी भावना बन रही और जो चल करके आप क्रिया की और जो जल अर्पित किए, वो सद क्रिया बनी, उसका फल आपको मिलेगा। वो सब बैठे हुए, वो जल चढ़ाने वाले और ना चढ़ाने वाले दोनों के लिए समान है। अरे यार, तू विश्वास कर ले तो हम तेरी खोपड़ी में बैठ के बताते रहेंगे कि ये पाप है ये पुण्य है, जा तो तू देख ले। अगर तू श्रद्धा विश्वास करके मान ले तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद यहां बैठा दिखाई देगा और ये आएगा कि बाबा ने कहा कि ये पाप है, बाबा ने कहा ये पुण्य। आप करके तो देख, भजन करके तो देख, नाम जप करो, आज से तू फ्री हो जाए एकदम, पीछे हो आगे के लिए भी। बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हारा हृदय धड़कने लगा, काली बिल्ली तो कुछ। अब उसमें श्यामा श्याम देख के प्रणाम करके चल दो तो बिल्ली नहीं, बिल्ली की पंक्तियां काट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं,
मान लो तो विघ्न, सबसे पहला विघ्न तुम्हारी मान्यता से पड़ा, तुम्हारा हृदय घबरा गया। जा रहे थे मुकदमा, आज तारीख थी, बिल्ली काट गई, तो मतलब हार नहीं है, निश्चय हो गया ना, हारो यदि तो तुम्हारी दुर्दशा तो अभी शुरू हो गई। सोच रहे थे कुछ नहीं, जहां तुम्हें लगे विघ्न हो गया वहीं बोलना जय जय श्री राधे। फिर देखना विघ्न जो है वो तुम्हारे लिए मंगल विधान कर देगा, क्योंकि ये सब जितने हैं प्रभु के सेवक हैं, कोई भी विघ्न विनायक ऐसा नहीं जो प्रभु के विमुख होकर के तुम्हारी हानि पहुंचा सके। मान्यता है, तुम जैसी मान्यता करोगे वैसे तुम्हें दर्शन होने लगेगा।